स्वराज्य की राजधानी रायगढ़। आदाब, मैं शबाना पटेल, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारे देश की सुनहरी तारीख, कौमी यकजहती के मुख्तलिफ पहलुओं, हमारी गंगा जमनी तहजीब आपके सामने पेश करें। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ की मुकम्मल मालूमात सारी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी आपसे गुजारिश है कि वो आप पूरी देखें। वो चमकती धूप हर शाम जहां है रूहानी, वो चमकती धूप हर शाम जहां है रूहानी, जहां आज भी घड़ों में भरकर रखा जाता है पानी, बस यही है मेरे रायगढ़ की सादी सी कहानी। महाराष्ट्र की ज़िले रायगढ़ का एक भरपूर तारीखी पस मंज़र है और इसकी हदूद में कुदरती खूबसूरती फैली हुई है। साहिलों से लेकर पहाड़ों तक, अजीमुशान किलों और कदीम मंदिरों तक, ज़िले में हर मुसाफिर के लिए कुछ ना कुछ है। ये ज़िला अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से तारीख के शायकीन, फितरत के शायकीन और मुल्क भर से एनिमल लाइफ से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। शिवाजी महाराज के स्वराज्य की राजधानी होने की वजह से रायगढ़ ज़िला सारी दुनिया में काफ़ी मकबूल है। इस ज़िले की सरहद शुमाल मगरिब में मुंबई, शुमाल में थाने, मशरिक में पुणे, जुनूब में रत्नागिरी और मगरिब में बहर अरब से मिलती है। ये पेन मांडवा के वसी कुदरती बंदरगाह के साथ एक वाहिद ज़मीनी शक्ल बनाता है जो मुंबई पोर्ट के फ़ौरन जुनूब में है। ज़िले का शुमाली हिस्सा नवी मुंबई का हिस्सा है जो एक मनसूबाबंद शहर है जिसकी अपनी बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। रायगढ़ महाराष्ट्र के 36 ज़िलों में से एक अहम ज़िला है और कोकण डिवीज़न का हिस्सा है। इस ज़िले का रकबा 7152 मुरबा किलोमीटर है। सन 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे मराठा सल्तनत की राजधानी बनाया। 19वीं सदी में रायगढ़ थाने ज़िले से अलग हो गया, लेकिन मुकामी बिरादरियों जैसे नायक, भगत, पाटिल, म्हात्रे और ठाकुर ज़िला रायगढ़ में ही रहे। अरब सागर के किनारे वाके रायगढ़ ज़िला हरे भरे नारियल के पेड़ों और ऊंचे सह्याद्री पहाड़ों से तीन तरफ से घिरा हुआ है और दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए बड़ी तवज्जो का मरकज़ है। कोलाहल से दूर खड़ा एक छोटा सा है ज़िला मिला, है उपवन सावन बसंत यहाँ, है पेड़ की ठंडी छाव यहाँ, यहाँ धरती उगले सोना, यहाँ सागर का रूप सलोना, है बाग बगीचों में दुनिया, निर्मल जल है निर्मल मन है, शांति संपदा से भरा कनकन है, शिक्षा का संचार यहाँ है, देशभक्ति का भाव यहाँ है, चिड़िया की वो चीची आहट, माँ के आंचल का वो आनंद, है सब दुखों से दूर खड़ा सबसे न्यारा रायगढ़ ज़िला, सबसे न्यारा रायगढ़ ज़िला। इस ज़िले में कुल 15 तालुके हैं जिसमें पनवेल, पेन, करजत, खालापुर, उरन, अलीबाग, सुधागढ़, मानगांव, रोहा, मुड़ुट, श्रीवर्धन, मसला, महाड़, पोलादपुर और तड़ा का शुमार होता है।
रायगढ़ ज़िले का कदीम नाम कोलाबा था। 1 जनवरी 1981 को महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला जनाब अब्दुल रहमान अंतुले साहब ने कोलाबा ज़िले का नाम तब्दील करके रायगढ़ रखा। सन 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 26,34,200 थी। यहाँ की कुल आबादी का 36% से ज़्यादा हिस्सा शहरों में बसा है, बाकी लोग देहातों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ 83% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे यानी लिटरेट है। रायगढ़ ज़िले में रहने वाले लोगों में तकरीबन 80% लोगों की मादरी ज़बान मराठी है। ये ज़िला अपने दिलकश तारीखी मुकामात, साफ़ सुथरे साहिलों, दिलकश मनाजिर और मगरबी घाट में पाए जाने वाले पौधों और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। ये ज़िला भरपूर सकाफती व तहजीबी तारीख का वाहिद गवाह है। इस ज़िले में मुख्तलिफ मज़ाहिब, बोलियों, नस्लों के लोग मिलजुल के रहते हैं। बनी इसराइल के यहूदियों की एक यहाँ एक तारीखी हैसियत है। इस ज़िले में इन लोगों ने पनाह ली थी। दुनिया में उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम बहरूप बहुत। उस पेड़ के नीचे क्या रुकना, जहाँ साया कम हो धूप बहुत। चल अब ज़िले रायगढ़ में, बैठेंगे सुखी छाओं में। क्यों तेरी आँख सवाली है, यहाँ हर एक बात निराली है। उस देश बसेरा मत करना, जहाँ मुफलिस होना गाली है। चल अब ज़िले रायगढ़ में, बैठेंगे सुखी छाओं में। जहाँ सच्चे रिश्ते यारियों के, जहाँ घूंघट जेवर नारियों के। जहाँ झरने कोमल सुख वाले, जहाँ साज बजे बिन तारों के। चल अब ज़िले रायगढ़ में, बैठेंगे सुख की छाओं में। रायगढ़ ज़िले का शुमार महाराष्ट्र के उभरते हुए ज़िलों में किया जाता है। ये ज़िला मुंबई के करीब होने की वजह से माशी तौर पर खूब तरक्की कर रहा है। लंबा साहिली इलाका मिलने की वजह से यहाँ सयाहों की हमेशा भीड़ रहती है। ज़रात के अलावा यहाँ के लोगों का ख़ास पेशा माहीगीरी है। इसके अलावा नौकरी, कारोबार और सयाहत जैसे पेशों से मंसलक है। रत्नागिरी की तरह इस ज़िले में भी हापुस आम की बागवानी की जाती है। इसके अलावा चावल, सुपारी, नारियल, काजू की भी काश्त की जाती है। इस ज़िले में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है, जहां ज़्यादातर फार्मास्यूटिकुलर और पेट्रोकेमिकल्स की पैदावार की जाती है। कुदरती मनाजिर, भरपूर सरसब्ज मुकामात, खूबसूरत बीचेस, तारीखी किले, हिल स्टेशन और बेहतरीन खाना इस ज़िले को महाराष्ट्र के दिगर ज़िलों से मुनफरिद बनाता है। ये जाँ फरोज नज़ारे रंगे बागे जहाँ, ये जाँ फरोज नज़ारे रंगे बागे जहाँ। ये सुबह व शाम के जलवे, ये दिल फरेब समा। लोगों को इस ज़िले का खाना बहुत पसंद आता है। चूंकि ये ज़िला समंदर के किनारे बसा हुआ है, इसलिए ये इलाका सी फूड के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ के कोकनी खाने लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, जिसमें वेज, नॉन वेज, सी फूड सब चीज़ें शामिल है। रायगढ़ ज़िला सफ़र करने का बेहतरीन वक्त। यहाँ मौसम गर्मा इंतहाई गर्म और मरतूब होता है, इसलिए नवंबर और मार्च के दरमियान सयाह यहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दौरान मौसम खुशगवार होता है। ये जाँ फरोज़ नज़ारे रंगे बागे जहाँ, ये जाँ फरोज नज़ारे रंगे बागे जहाँ। ये सुबह व शाम के जलवे, ये दिल फरेब समा। लोगों को इस ज़िले का खाना बहुत पसंद आता है। चूंकि ये ज़िला समंदर के किनारे बसा हुआ है, इसलिए ये इलाका सी फूड के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ के कोकनी खाने लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, जिसमें वेज, नॉन वेज, सी फूड सब चीज़ें शामिल है। रायगढ़ सफ़र करने का बेहतरीन वक्त। यहाँ मौसम गर्मा इंतहाई गर्म और मरतूब होता है, इसलिए नवंबर और मार्च के दरमियान सयाह यहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दौरान मौसम खुशगवार होता है। रायगढ़ ज़िले के तफरीही मुकामात, किले। रायगढ़ कई शानदार किलों का घर है, जिनमें स्वराज्य की गवाही देने वाले किले जैसे रायगढ़ फोर्ट, जंजीरा फोर्ट, सुधागर, सरसगढ़, लिंगाना, अलीबाग, करनाला, खांदेरी, उंदेरी, रेवरंडा, कोडलई, सुरगढ़ कई किलों का शुमार होता है, जिनमें
रायगढ़ जिला किला काफ़ी मशहूर है। रायगढ़ किला, ये शानदार और दिलकश किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1656 में कब्ज़ा कर लिया था और उस वक्त इसे रेरी के नाम से जाना जाता था। किले में कई दरवाज़े हैं जो आज भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुछ मशहूर दरवाज़े नगरखाना दरवाज़ा, महादरवाज़ा, पालखी दरवाज़ा और मीना दरवाज़ा है। रोपवे की सहूलत होने की वजह से आप चंद मिनटों में पहाड़ी किले तक पहुंच सकते हैं। 6 जून सन 1674 को शिवाजी महाराज के का राज्य अभिषेक यहीं हुआ था। ये किला तकरीबन 3000 साल पुराना होगा। रायगढ़ किला ज़िला रायगढ़ में महाड़ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है। रायगढ़ किले के पास एक ऊंची घाटी पर बना एक मशहूर बुर्ज है, उसे हिरकनी बुर्ज कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि भी रायगढ़ किले में वाक़ है। रायगढ़ का दूसरा मशहूर किला मुरूड जंजीरा किला है। मुरूड जंजीरा किला एक समंदरी किला है जो बहरे अरब के किनारे मुरूड शहर में वाक़ है। ये किला अहम किलों में से एक किला है। राजापुरी बंदरगाह से किले तक जाने के लिए आप नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। किले का सदर दरवाज़ा राजापुरी किनारे की सिमत में है और दूसरा अहम दरवाज़ा बहरे अरब की जानिब है। किले के बुर्ज पर यूरोप के साथ साथ स्वदेशी तोप भी देखी जा सकती है। ये किला 22 एकड़ के वसी इलाके में फैला हुआ है और ये 350 साल पुराना किला है। इमेजिका, रायगढ़ में सफ़र के दौरान इमेजिका का दौरा आपको खूबसूरत यादें देगा। 138 एकड़ ज़मीन पर बने इमेजिका में स्नो पार्क, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क शामिल है। ये एक मुनफरिद पुरकशिश मुकाम है जहां हर मौसम में हर उम्र के लोग इंजॉय कर सकते हैं। इसकी हर तर्ज मुझको भाती है, इसकी हर तर्ज मुझको भाती है, इसके हर तौर से मोहब्बत है। इस ज़िले में उल्हास, काड़ू, पाटाल गंगा, भोगावती, अम्बा, सावित्री, कुंडालिका, गोड़, गंधार जैसी नदियां बहती हैं। तारीखी चौदार लेक रायगढ़ ज़िले के महाड़ शहर में वाक़ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 20 मार्च सन 1927 के दिन इसी जगह पानी के लिए सत्याग्रह किया था। इस वजह से ये इलाका सारी दुनिया में मशहूर है। इस ज़िले की कदीम तारीखी सकाफत की गवाही यहाँ मौजूद कदीम गुफाएं हैं, जैसे तड़े, कुंडा, अम्बीवली, कोंडाना, खरसामले, थानाले, पाले, कोल, रामधरन और धारापुरी केव्स वगैरह। इनमें कोंडाना केव्स काफ़ी मशहूर है। करजत तालुके में कोंडीवाड़ा गांव के करीब ये गुफाएं हैं। दूसरी सदी में ये गुफाएं बनाई गई। इन गुफाओं में एक चैत्यग्रह, 7 विहार और 2 केव्स है। इसमें चारों जानिब दीवारों पर नक्काशी की गई है। कर्नाला बर्ड सेंचुरी, ये महाराष्ट्र की पहली बर्ड सेंचुरी है। परिंदों के शायकीन और हाइकर्स में ये इलाका काफ़ी मशहूर है। कर्नाला किला बर्ड सेंचुरी में पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। ये सेंचुरी तकरीबन 222 किस्म के परिंदों का घर है। फराज कोह से गिरना ये आबशारों का, फराज कोह से गिरना ये आबशारों का, अंधेरी रात ये पानी में अक्स तारों का। मदेहगाड वाटरफॉल, सरसब्ज व शादाब पहाड़ों के दरमियान लामहदूद नीले आसमान के नीचे मदेहगाड आबशार देखकर आप पहली नज़र में ही इसके गर्विदा हो जाएंगे। ये वाटरफॉल सतह ज़मीन से तकरीबन 850 मीटर बुलंदी पर है, जहां से रायगढ़ फोर्ट वाजे तौर पर देखा जा सकता है। माथेरान हिल स्टेशन, महाराष्ट्र के सबसे शानदार पहाड़ी मुकामात में से एक माथेरान है। आलूदगी से पाक एक खूबसूरत पुरसकून हिल स्टेशन, यहां आप टॉय ट्रेन का मज़ा ले सकते हैं, साथ ही साथ ट्रैकिंग, हाइकिंग, घोड़सवारी से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।
फैमिली टूर के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। बीचेस, इस ज़िले में कई टूरिस्ट प्लेसेस है। इसमें ख़ास तौर पर अलीबाग बीच, काशिद बीच, मांडवा बीच, किहिम बीच, हरिहरेश्वर बीच, अक्षी बीच और नागाव बीच शामिल है। लंबा साहिल मिलने की वजह से यहाँ के बीचेस काफ़ी मशहूर हैं। दिलकश और पुरसकून साहिल समंदर फैमिली और दोस्तों के साथ आराम करने के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। चमकता हुआ पानी, सुनहरी रेत और साहिलों पर हरियाली का नज़ारा इतना जादुई है कि आप तमाम परेशानियों को भूल जाएं। सुबह की ताजगी भी बढ़ेगी, शाम की दिलकशी भी बढ़ेगी। सुबह की ताजगी भी बढ़ेगी, शाम की दिलकशी भी बढ़ेगी। कभी रायगढ़ जाकर तो देखो, होगा मुश्किल नज़र को बचाना। आप सीखोगे फिर मुस्कुराना, क्योंकि रायगढ़ का मौसम है सुहाना। यहाँ सैयाह मुख्तलिफ आबी खेलों जैसे सर्फिंग, पैरासेलिंग, जेट स्काई, बम्पर सवारी, बनाना राइड जैसे वाटर स्पोर्ट्स से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की वाहिद टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रायगढ़ ज़िले में ही वाक़ है। ज़िले रायगढ़ तेरी रौनके दायम आबाद, ज़िले रायगढ़ तेरी रौनके दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। अगर आप इस ज़िले का सफ़र करना चाहते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट इस ज़िले से काफ़ी करीब है। दुनिया की किसी भी कोने से आप बस मुंबई आ जाइए, इसके बाद बस, टैक्सी, ट्रेन, किसी भी तरह आप रायगढ़ आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां का मशहूर रेलवे स्टेशन पनवेल है। बाय रोड भी यहां सफ़र करना इंतहाई आसान है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे यहीं से गुज़रते हैं। हर किस्म के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। रायगढ़ 21वीं सदी में कौमी सतह के सनती इहाते से लेकर बैन अल-अक़वामी सतह पर मशहूर साइंसी इदारों तक मुसलसल आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र मित्र। इस शहर की हर चीज़ लुभाती है मुझे, इस शहर की हर चीज़ लुभाती है मुझे, ये शहर नज़र आता है ख्वाबों का दयार। पनवेल रियासत महाराष्ट्र के ज़िले रायगढ़ का एक शहर पनवेल है, जो खित्ते कोंकण में वाक़ है। मुंबई के करीब तरीन होने की वजह से ये शहर गुंजान आबाद है। मुंबई का दरवाज़ा कहलाए जाने वाले पनवेल में रायगढ़ ज़िले की पहली तो महाराष्ट्र की 27वीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पनवेल के एमपी जनाब श्रीरंग बारने, एमएलए जनाब प्रशांत ठाकुर, पनवेल की मेयर डॉक्टर कविता चौतमल, अपोजिशन लीडर प्रीतम हाथरे, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम ठाकुर और जनाब जयम हाथरे साहब ने पनवेल की तरक्की में चार चांद लगाए हैं। पनवेल एक तारीखी शहर है, जिसके लफ्जी मानी एक बहुत बड़ा आबी जखीरा है। कहा जाता है कि संत तुकाराम इस जगह पर मिर्च फरोख्त किया करते थे। पनवेल के पहले सदर जनाब यूसुफ मास्टर साहब थे। पनवेल में एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी, जहां से मुख्तलिफ सामान दरामद व बरामद किया जाता था। अब एक इंतहाई जदीद बंदरगाह JNPT पनवेल से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर बनाई गई है। मुंबई में बढ़ती हुई भीड़ के साथ थाने के क्रीक पर वाशी के करीब नए रास्तों और पुल की तामीर के बाद
मनसूबाबंद तरीके से मुंबई पुणे हाईवे और रेलवे ट्रैक के दूसरी जानिब सड़कों ने एक खुसूसी टाउनशिप खारगर से न्यू पनवेल तक तामीर की, जहां तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जदीद जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है। ये पनवेल है वो जाए आफियत के जहां, ये पनवेल है वो जाए आफियत के जहां हर एक शख्स बनाने लगा है घर अपना। पनवेल में हिंदू मजहब के मानने वालों की अक्सरियत है, जो कुल आबादी का 78.67% है। पनवेल का दूसरा मकबूल तरीन मजहब इस्लाम है। यहाँ मुसलमान तकरीबन 10.8% है। ईसाई मजहब के मानने वाले 2.13% तो सिख मजहब के पैरोकार 0.47% है। बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, बने हो एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। ये शहर कौमी यकजहती का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ हर मजहब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं होते। तमाम मजाहिब के लोग एक दूसरों के त्योहारों में शामिल रहते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि पनवेल के कई गणपति मंडलों के सदर मुसलमान हैं, तो वहीं पनवेल की मशहूर पीर करम अली शाह दरगाह के उर्स के संदल कोली समाज के लोग और अकीदत रखने वाले पापड़ फैमिली के घर से पेश किया जाता है। पनवेल का तब्दील होना शाद रहना और उदास, पनवेल का तब्दील होना शाद रहना और उदास, रौनों के जितनी यहाँ हैं हमारे दम से हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार है। यहाँ अमूमन साल भर धूप रहती है। मई में दर्जे हरारत औसतन 30.3°C होता है। साल में सबसे कम दर्जे हरारत जनवरी में रहता है, जो औसतन 23.4°C है। पनवेल का औसत सालाना दर्जे हरारत 27.0°C है। यहाँ बारिश के मौसम में शदीद बारिश होती है। बहर अरब के साहिल पर वाक़ होने की वजह से यहाँ हवा में मरतूबियत ज़्यादा है। पनवेल में बहुत सारे तालीमी इदारे भी वाक़ हैं, जहाँ दूर दराज से बच्चे तालीम के हुसूल के लिए आते हैं, जैसे अंजुमन इस्लाम, कालसेकर टेक्निकल कैंपस, सीकेटी कॉलेज, पिल्लईस पॉलिटेक्निक कॉलेज, डीडी विस्पुटे कॉलेज, एमजीएम कॉलेज, महात्मा फुले कॉलेज वगैरह। कहते हैं जिसको इल्म वो एक आफ्ताब है, कहते हैं जिसको इल्म वो एक आफ्ताब है, यकता है, बेमिसाल है और लाजवाब। पनवेल के रास्ते, पनवेल एक अहम जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि बहुत सी बड़ी शाहराहें यहाँ मिलती है या इस शहर से होकर गुजरती है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, साइन पनवेल एक्सप्रेसवे, NH4B और NH66 यहाँ से शुरू होता है, जबकि NH4 पनवेल से गुजरता है। बिल्डिंगों में अपने घर का कुछ निशान मिलता नहीं, बिल्डिंगों में अपने घर का कुछ निशान मिलता नहीं, डर बदर भटका रहा है शहर का रास्ता मुझे। पनवेल रेलवे स्टेशन, पनवेल रेलवे स्टेशन कोकण रेलवे का एक अहम तरीन जंक्शन है। पनवेल मुंबई रेलवे हार्बर लाइन का टर्मिनेशन स्टेशन है। नेस मुंबई को जुनूबी हिंदुस्तान से जोड़ने वाली कोकण रेलवे पनवेल से गुजरती है। पनवेल एक बहुत बड़ा स्टेशन है, और वो रेल जो मुंबई से होकर नहीं गुजरती उनके लिए पनवेल मुंबई के बराबर अहमियत रखता है। पनवेल में बहुत से ऑटो रिक्शा है। शेयर ऑटो में कम अज़ कम किराया 10 रुपये है, लेकिन अकेले ऑटो करने वालों के लिए किराया 30 रुपये है, जो कि मुंबई, नवी मुंबई और थाने के मुकाबले में ज़्यादा है। पनवेल में दो अहम बस अड्डे हैं, एक नेशनल हाईवे पर और एक रेलवे स्टेशन के करीब। पनवेल में रियासत महाराष्ट्र का एक बड़ा बस अड्डा है, क्योंकि ये कोकण और पुणे रूट्स की बसों के लिए एक जंक्शन है। शहर का शहर मेरे साथ ही चल निकला है, शहर का शहर मेरे साथ ही चल निकला है, सोचती हूँ कि इस आलम में तुम्हें कहाँ ढूंढूं। पनवेल के मशहूर मुकामात, पनवेल में कई बेहतरीन कुदरती और तारीखी तफरीही मुकामात है, जैसे करनाला बर्ड सेंचुरी, करनाला फोर्ट, गारेश्वर डैम, अदाई वाटरफॉल्स, बालेश्वर पाली टेम्पल, शिवगंगा वाटर पार्क, बैतल सिनोक, ओरियन मॉल, पीर करम अली शाह दरगाह, खारगर हिल्स, वासीदेव बलवंत फड़के ऑडिटोरियम, स्मार्ट इको पार्क, पनवेल नगर परिषद लेक, पांडोकाड़ा वाटरफॉल वगैरह। मैं झूठ कह रही हूँ तो खुद आकर देख ले, मैं झूठ कह रही हूँ
तो खुदा का देख ले कोई कमी नहीं है यहाँ के जमाल में। करनाला बर्ड सेंचुरी। करनाला किले के निचले हिस्से में एक मशहूर करनाला बर्ड सेंचुरी है। पनवेल शहर से 13 किलोमीटर दूर करनाला वाक्य है। महाराष्ट्र हुकूमत ने इस 4.5 किलोमीटर के इलाके को सन 1968-69 में परिंदों की पनाहगाह करार दिया। ये बर्ड सेंचुरी मुख्तलिफ किस्म के परिंदों के कुदरती मिस्किनों से मालामाल है। करनाला फोर्ट। करनाला किला रायगढ़ जिले के का एक पहाड़ी किला है जो कि पनवेल शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये एक प्रोटेक्टेड प्लेस है जो करनाला बर्ड सेंचुरी में वाकई है। तारीखी नुक्ते नजर से ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल किला है क्योंकि इस किले ने बोरपास को नजरअंदाज किया जो कोकण साहिल को महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से जोड़ता था और इन इलाकों के दरमियान अहम तिजारती रास्ता था। गारेश्वर डैम। मॉनसून पिकनिक के लिए गारेश्वर डैम एक बेहतरीन जगह है। जब डैम ओवरफ्लो हो जाता है, माथेरान पहाड़ियों के साथ सरसब्ज खेत और देहात खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। जिन लोगों को ट्रैकिंग पसंद है वो नेरे गांव से माथेरान जा सकते हैं। वहीं वाउजा गांव से आप हाजी मलंग पहाड़ी पर भी जा सकते हैं। ये जहां फरोज नजारे ये रंगे बागे जहां ये सुबह व शाम के जलवे ये दिल फरेब सवां ये सब करिश्मे हैं किसके खुदा की कुदरत के ये सारे जलवे हैं किसके खुदा की कुदरत के। अदाई वाटरफॉल। ये उन लोगों के लिए एक पसंदीदा मुकाम है जो पानी के खूबसूरत बहाव का तजुर्बा चाहते हैं। इस आबशार का दौरा करना पनवेल के बेहतरीन कामों में से एक है। ये वो जगह है जो राहत बख्श तजुर्बा फराहम करती है, जैसे सरसब्ज व शादाब मंजर, बहता हुआ पानी और कुदरती नजारा। एक मुख्तसर ट्रैक के बाद फॉल्स तक पहुंचा जा सकता है, लिहाजा आप ट्रैकिंग की सरगर्मी का तजुर्बा कर सकते हैं और कुदरती मनाजिर से लुत्फंदोज हो सकते हैं। साइंसी तौर पर साबित है कि पुरसुकून फितरत आपके जहनी दबाव को कम करती है। अगर आप अपने तमाम तनाव को दूर करना चाहते हैं तो अदाई वाटरफॉल जरूर तशरीफ ले जाइए। आबशारों के इर्द गिर्द काफी हरियाली है, सैयाह मुख्तसर चढ़ाई के को तरजीह देते हैं जो उनके लिए तफरीही सरगर्मी का काम करती है। अगर आप पनवेल का दौरा कर रहे हैं और इस कुदरती साइट का नजारा नहीं कर रहे हैं तो ये आपका बड़ा नुकसान है। आपको जरूर इस जगह का दौरा करना चाहिए और फितरत के दरमियान सुकून बख्श एहसास हासिल करना चाहिए। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शे है खूबसूरत, रंगी है हर नजारे। बालालेश्वर पाली टेम्पल। ये मंदिर अपनी तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। ये मंदिर भगवान गणेश से वाबस्ता है। ये मंदिर काबिले जिक्र इंजीनियरिंग और फन तामीर पर मुश्तमिल है। इसे बालालेश्वर का नाम उस हुक्मरान की याद में दिया गया है जो भगवान गणेश का बहुत बड़ा पैरोकार था। ये मंदिर महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। बालालेश्वर पाली टेम्पल एक मजहबी माहौल मुहैया करता है। बैतल सिनागॉग। ये 18वीं सदी में तामीर यहूदी बिरादरी की मशहूर इबादतगाह है जो यहूदी रिवायत को जिंदा रखे हुए है। अगर आप पनवेल में हैं, तो आपको इस जगह जरूर जाना चाहिए। ये इबादतगाह आपको दौरे हाजरा से एक कदम पीछे ले जाएगी। हॉल, कदीम हैंगिंग ऑयल लैंप, लकड़ी के लंबे बेंच, ऊंची छत, मार्बल स्लैब मैंगलोर टाइलों से मजयन है। ये उन चंद जगहों में से एक है जहां रबी यहूदियों की मादरी जबान अब्रानी में मुकद्दस तौरात पढ़ता है। यहां लोग 18वीं सदी के अवाइल के मकबरों को देखने भी जाते हैं।
जर्रा समझ के यूं न मिला मुझको खाक में, जर्रा समझ के यूं न मिला मुझको खाक में, ए आसमान मैं भी कभी आफताब था। ओरियन मॉल मशहूर एमपी ग्रुप के जरिए बनाया गया ओरियन मॉल पनवेल और आसपास के रहने वालों के लिए खरीदारी का एक नया तजुर्बा फराहम करता है। इस मॉल ने 2016 में दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले। ये 4 लाख मुरब्बा फीट पर बना एक आलिशान मॉल है जहां आप बेहतरीन खरीदारी के साथ साथ बेहतरीन खाने से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। पीर करम अली शाह दरगाह। हजरत पीर करम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पनवेल शहर में मौजूद है। ये सफेद और सब्ज रंग की इमारत जिसके सामने एक तालाब है पनवेल की कदीम तरीन इमारतों में से एक है जो सन 1747 में तामीर की गई, हालांकि इसे फिर सन 1994 में रिनोवेट किया गया। इस बुलंद व बाला इमारत को देखकर कोई ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकता कि यह इमारत इतनी कदीम है। ये पुरसकून मकबरा पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुखालिफ सिमत में वाक़ है। तालाब में दरगाह का अक्स बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। यहाँ ज़ायरीन का मानना है कि हसरतों की अर्जिया तू पेश कर दिल खोल कर, हसरतों की अर्जिया तू पेश कर दिल खोल कर, मुकम्मल करेगा हर मुराद वो सोया है जो चादर ओढ़ कर। वासुदेव बलवंत फड़के ऑडिटोरियम। ये ऑडिटोरियम पनवेल का बेहतरीन ऑडिटोरियम है जिसमें बैठने के लिए बेहतरीन इंतजामात, स्टेज, साउंड सिस्टम, लाइट, पार्किंग की बड़ी जगह के अलावा एक कैंटीन है जहां बेहतरीन खाने किफायती दामों में दस्तियाब है। इस ऑडिटोरियम का किराया भी काफ़ी कम है। यहां बाकायदगी से सकाफती प्रोग्राम, ड्रामा, मुख्तलिफ जबानों में मुशायरे वगैरह किए जाते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि सब फूल दरवाज़ों में हैं, सब रंग आवाज़ों में हैं, सब फूल दरवाज़ों में हैं, सब रंग आवाज़ों में हैं, पनवेल देखा है कभी मेरे शहर की क्या बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र मित्र।